Hello guys, Nimisha Verma is here again with a new lesson titled Intermediating with C using Functions. Now, we are on the second last step of intermediacy. Therefore, without wasting much time, let's begin with the very first topic, that's Introduction to Functions. What are functions basically? Functions are subprograms or modules or subroutines. Means these are a group of statements which are written to perform a particular task. Functions हमारे एक particular set of codes होते हैं जो हमारा एक particular task perform करते हैं. Why? Why do we need functions? Function हमें क्यों चाहिए होता है? Function हमें चाहिए होता है हमारे code को redundant बनाने के लिए, उसकी efficiency include करने के लिए और उसे कंसाइज बनाने के लिए. सब कैसे? लेट्स सी. सपोज यू हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ 5 नंबर्स 10 टाइम्स. 5 नंबर्स का सम आपको 10 बार करना है. तो एक तो तरीका है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये आप 10 बार लिखो अलग अलग 5 वेरिएबल्स के लिए. और सबकी वैल्यू तो सेम नहीं है, तो आपको 50 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे. बट This set of code could be simplified by using a function that is sum. What we'll be doing, every time we'll be needing to calculate the sum of 5 digits or 5 numbers, we can just call the function sum and we can send the values there and get our task performed. Then just see how it is performed. Standalone program means जो normal program हम लोग लिखते हैं, main, ये suppose ये set of code है, दो बार लिखा गया. बट अगर हमने टोटल नाम का एक फंक्शन बना दिया, एक बार टोटल फंक्शन वो यहाँ कॉल हो गया सेकेंड टाइम, तो ये जो सेकेंड टाइम हमने सेम सेट ऑफ कोड लिखा था वो हमें नहीं लिखना पड़ा. इससे हमारा कोड कॉम्प्लेक्स होने से बच गया. मीन्स इट हैज़ गॉट सिंपल एंड कंसाइज. देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शंस? फंक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड. प्री डिफाइंड मीन्स जो लाइब्रेरी में डिफाइंड है, जो डेनिस रिचर ने डिफाइन कर दिया था. एंड यूजर डिफाइन जो हम लोग हैं, नए नए डेनिस रिचर जो हम लोग डिफाइन करते हैं. सो एग्जाम्पल ऑफ फंक्शंस, स्कैनएफ, ये भी फंक्शन है. हम लोग तो एक सिंगल लाइन में यूज़ कर लेते हैं, बट स्कैनएफ की भी तो कोई डेफिनेशन होगी ना. प्रिंट एफ की, गेट सी एच की, एस टी आर लेन, इन सब की कोई डेफिनेशन है जो हमारे प्रोग्रामर्स ने मेंशन कर रखी है. जैसे सम, डिफरेंस, ये हमें तो बस यूज़ करना है. हमें बैक एंड कोडिंग नहीं पता होती है इनकी. दीज आर दी फंक्शंस. फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप मीन्स उसके लिखने का तरीका. दैट इज रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम और आर्गुमेंट्स. रिटर्न टाइप क्या होती है? रिटर्न टाइप वो डेटा टाइप होता है जिसके फॉर्म में हमारा फंक्शन वैल्यू रिटर्न बैक करता है. फंक्शन का नाम हमारा नाम है. लेट्स सी व्हाट आर रिटर्न टाइप्स. रिटर्न टाइप्स, अब फंक्शन में रिटर्न अ वैल्यू. रिटर्न टाइप इज द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू द फंक्शन रिटर्न्स. फंक्शन नेम इज एक्चुअल नेम ऑफ द फंक्शन. पैरामीटर्स, कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके अंदर. हम जो भी वैल्यू पास करते हैं, दैट इज पास इनटू द पैरामीटर. एंड फंक्शन बॉडी, इट्स ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स जो डिफाइन करते हैं फंक्शन क्या काम करता है. डेमोन्स्ट्रेशन, कैसे यूज करेंगे रिटर्न टाइप, किस वैल्यू रिटर्न करेगा, किस टाइप की, स्पेस, फंक्शन का नाम. देन दिस इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन. कैसे? रिटर्न टाइप हमने ले लिया इंट. फंक्शन नेम हो गया सम. पैरामीटर लिस्ट हो गए ए और बी. अब हमारा क्या है? सम इज ए प्लस बी और रिटर्न सम. ये जो हमारा सम वेरिएबल है, ये हमारा इंट टाइप की वैल्यू भी रिटर्न करेगा. एंड ये जो सम वैल्यू है, सम वेरिएबल है, उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो हमारे कॉल्ड फंक्शन में रिटर्न होंगी वैल्यूज. लेट्स हैव विद द फर्स्ट प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h एज वी आर यूजिंग इट. फिर हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया चेक प्राइम नंबर. क्योंकि इस प्रोग्राम में हम चेक करेंगे कि वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट. और मेन यूज़ किया. अब हमने कहा मेन में दो पॉजिटिव इंटीजर्स एड कराए, n1 और n2. n1 और n2 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं हमें प्राइम निकालने हैं. तो हम n1 प्लस 1 से n2 तक का चला रहे हैं. क्यों? n1 और n2 के बीच का चाहिए, एक्सक्लूडिंग देम.
अब हर नंबर के लिए हम लोग चेक इज प्राइम, जैसे ही इसने ये लिखा चेक इज प्राइम, वैसे ही हमारा कंट्रोल आ गया इस फंक्शन के पास। अब उसके पास एक वेरिएबल जे और फ्लैग वन है। अब ये जे टू से एन बाई टू तक का चला के देखेगा, अगर फ्लैग ज़ीरो होता है तो ब्रेक कर देगा, बट अगर ब्रेक नहीं होता है, सपोज़ ब्रेक नहीं होता है तो ये रिटर्न हो जाएगा वन, तो फ्लैग वन हो गया आपका, तो इट्स अ प्राइम नंबर। बट अगर फ्लैग ज़ीरो हो गया देन इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। लेट्स सी वंस अगेन, पॉजिटिव इंटीजर्स ऐड कराए, फिर उनके बीच का लूप चलाया, हर नंबर को चेक करने के लिए हमने चेक प्राइम नंबर के अंदर भेजा। सपोज़ अगर हम लोग चेक प्राइम नंबर नहीं बनाते तो हमें कितनी बार चेक करना पड़ता, जस्ट इमेजिन, एन वन से एन टू, एन वन और एन टू कुछ भी हो सकता है, वन और थाउजेंड भी हो सकता है, वन और टेन थाउजेंड भी हो सकता है, फाइव और टेन लाख भी हो सकता है। तो इसके लिए हमारा कोड चेक प्राइम नंबर फंक्शन बनाने से बहुत ईजी हो गया। जस्ट लर्न द कॉन्सेप्ट, हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया, एक सिंपल लूप चलाया एन वन और एन टू के बीच का दिस, देन हर नंबर को चेक प्राइम नंबर में भेजा, वहाँ पे हमने प्राइम निकाला, अगर फ्लैग ज़ीरो है तो ब्रेक कर दिया तो कुछ नहीं आएगा, अगर फ्लैग वन है तो वो प्राइम नंबर प्रिंट कर देगा। देन सेकेंड नंबर है हमारा, इसमें भी हम लोग प्राइम चेक कर रहे हैं कि वेदर अ नंबर कुड बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स और नॉट। सेम हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड करी, चेक प्राइम हमारा फंक्शन है, मेन के अंदर एक एन लिमिट, आई लूप वेरिएबल और फ्लैग हमने ज़ीरो, फ्लैग हमारा जैसे हम लोग झंडा दिखाते हैं मूव और स्टॉप, वैसे ही ज़ीरो मतलब स्टॉप, वन मतलब मूव, यू कैन यूज़ एनी अदर वेरिएबल इंस्टेड ऑफ दिस। फिर हमने एक पॉजिटिव इंटीजर एट एंटर कराया, आई टू से लेकर एन बाई टू तक का, बिकॉज हमारे प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, किसी भी लिमिट में उसके मतलब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिनके एट मोस्ट टू फैक्टर्स हो, वन और नंबर इटसेल्फ। अगर वन के अलावा कोई वन और टू के बीच में, वन और हाफ के बीच में कोई फैक्टर नहीं निकला, मतलब उसका कोई फैक्टर नहीं है, मीन्स इट्स अ प्राइम नंबर। तो हमने चेक प्राइम में भेज दिया। अब यहाँ चेक प्राइम के अंदर आया हमारा, ये है चेक प्राइम दिस, आई टू से एन बाई टू चलाया, अगर एन मोड आई ज़ीरो है मतलब कोई फैक्टर मिल गया तो हमारा इज प्राइम नहीं है, तो वैल्यू ज़ीरो रिटर्न हो जाएगी यहाँ पे। बट अगर ज़ीरो नहीं आई है तो वन रिटर्न हुई, यहाँ पे हमारा वन आया। जब अगर हमारा नंबर वन मतलब वन आ गई फ्लैग की वैल्यू, मीन्स हमारा जो नंबर है वो प्राइम है, तो चेक करो क्या एन माइनस आई मतलब वो जो हमारी लिमिट है उसमें से उस नंबर को माइनस करके, सपोज़ फाइव हमारा प्राइम नंबर है और सेवन हमारी लिमिट है, तो सेवन माइनस फाइव टू, क्या टू वन के बराबर है, नो, तो कुछ नहीं आएगा, आपका फ्लैग ज़ीरो हो जाएगा। एल्स हम इसे प्रिंट कर सकते हैं कि ये सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स है। सिंपल, क्या करना है, बस हमें लिमिट के बीच में लूप चलाना है, चेक करना है प्राइम है कि नहीं, प्राइम है तो उसे देखो क्या एन माइनस आई वन के बराबर है, अगर है तो वो सम ऑफ में हो सकता है, वन ना, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। देन वी हैव नेक्स्ट फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल मीन्स सपोज टू का फैक्टोरियल टू इंटू वन, थ्री का थ्री इंटू टू इंटू वन, फोर का फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, मतलब उससे पहले के मल्टीपल का, मतलब मल्टीपल क्या, उससे पहले के जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स उनका प्रोडक्ट। तो हमने क्या किया, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच जैसे हम लोग करते हैं, मेन स्टार्ट किया, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, देन हमने नंबर एंटर कराया एड्रेस ऑफ एन मतलब एन में, और एक्स में हमने फैक्ट ऑफ एन मतलब एन को भी मतलब फैक्ट एन को हमने फैक्टोरियल फंक्शन से भेज दिया। फैक्टोरियल फंक्शन हमारा कहाँ है, यहाँ पर आ गया, यहाँ पे इसने एक एन डिक्लेयर किया हुआ है। अब इसने देखा कि हमारी जो वैल्यू है क्या वन, वैल्यू को वन असाइन किया, अगर एन वन है तो वैल्यू रिटर्न कर दो, नहीं तो आई वन से लेकर एन तक का लूप चलाओ और वैल्यू में आई मल्टीप्लाई करते जाओ,
फिर हम लोग वन भेजो, मतलब क्या एन इज इक्वल टू वन का क्या मतलब हुआ? अगर हमारा वन फैक्टोरियल है, मतलब वन नंबर है, तो वन का फैक्टोरियल तो ऑब्वियसली वन होगा। बट अगर वन नहीं है तो उससे वन से लेकर एन तक के, मतलब एन जो नंबर है सपोज फाइव है, तो पहले एक बार वन आए, वन आया तो वन चला गया, ठीक है। फिर ये टू हुआ तो टू इंटू वन हुआ, फिर हमारा टू इंटू वन टू हो गया, तो नेक्स्ट टाइम वैल्यू थ्री हो गई, तो टू इंटू वन इंटू थ्री हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम फोर हुई तो फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन करके हम लोग फोर टू ज़ा ट्वेल्व टू ज़ा 24 कर देंगे। और फिर लास्ट में हमने हमारी वैल्यू जो है वो रिटर्न कर दी। फंक्शन देन वी हैव अ नेक्स्ट टॉपिक एक्सेसिंग अ फंक्शन। अब फंक्शन बनाया है तो उसे एक्सेस भी करना ही होगा। फंक्शन क्या होता है? हमारा यूजर डिफाइंड जो होता है दैट कैन इन्वोक फ्रॉम मेन फंक्शन या किसी भी फंक्शन, मतलब फंक्शन कैन बी एक्सेस फ्रॉम अदर फंक्शन और फ्रॉम मेन, बिकॉज मेन भी हमारा फंक्शन है ही ना। तो अगर कोई आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछे क्या फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो सकता है, ऑब्वियसली द आंसर इज येस। एंड उसका बिगेस्ट एग्जाम्पल है मेन फंक्शन, बिकॉज हम लोग मेन के अंदर से ही सारे फंक्शन कॉल करते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, हमारे फंक्शन को हम क्लासीफाई करते हैं फोर टाइप्स में, विद रिटर्न एंड आर्ग्यूमेंट्स, विदाउट रिटर्न एंड विद आर्ग्यूमेंट्स, विद रिटर्न एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, एंड विदाउट रिटर्न एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। वील बी लर्निंग दिस फोर कैटेगरीज ऑफ फंक्शन इन आर नेक्स्ट क्लास और सॉरी नेक्स्ट लेसन। बिफोर दैट, बिफोर कंक्लूडिंग, लेट्स रिवाइज वॉट वी हैव लर्न टूडे। हाउ टू एक्सेस अ फंक्शन फ्रॉम मेन और फ्रॉम एनी अदर फंक्शन। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हमने फैक्ट नाम का फंक्शन बनाया जो वैल्यू लेता है एन की। अगर एन हमारा वन है तो ये वन सिंपली भेज देता है, नहीं तो ये मल्टीप्लाई करता है जो वन को टू से, टू को थ्री से, थ्री को फोर से, जब तक का नंबर तक ना पहुँचे। देन सम ऑफ प्राइम नंबर्स के में हमें पुट करने के लिए इसमें मेन लॉजिक ये है हमारा चेक प्राइम, अगर प्राइम है तो बस एन माइनस आई कर दो, एल्स कुछ नहीं। देन दिस इज सेम चेक प्राइम, जे को टू से हाफ तक में कोई फैक्टर नहीं मिला तो ठीक है, अगर मिल गया तो ब्रेक कर देंगे। कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं फंक्शन को? रिटर्न टाइप स्पेस फंक्शन नेम, फिर पैरामीटर लिस्ट और ये बॉडी। इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन और इसको कहते हैं बॉडी ऑफ फंक्शन और डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। प्रोटोटाइप में पैरामीटर्स, प्लेस होल्डर या स्टेक होल्डर जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू स्टोर होती है। फंक्शन बॉडी, इसमें वो टास्क लिखा होता है जिसे परफॉर्म करना होता है। रिटर्न टाइप, कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन नेम, नाम जिससे हम फंक्शन को जानेंगे। प्री डिफाइंड, जो लाइब्रेरी में लिखे हैं जैसे स्कैन एफ प्रिंट एफ। यूज़र डिफाइंड, जो यूज़र डिफाइन करता है, लाइक हमने चेक प्राइम इस प्राइम बनाए वो। यूज़ क्या है इसका? सेम टाइम दो कोड, सेम कोड दो बार लिखने की जगह हम उस फंक्शन बना के उसे दो बार कॉल कर लें। फंक्शन क्या है? सिंपली सब प्रोग्राम्स या मॉड्यूल्स दैट इज रिटन टू परफॉर्म और अचीव अ पर्टिकुलर टास्क। आई होप यू एंजॉयड टुडेज़ वीडियो। Please don't forget to give your feedbacks and suggestions. Thank you. So let's meet in the next video. Bye.